हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल प्रीति मिस्टर्स लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके सामने मैं एक न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ 3D वॉलपेपर किस तरीके से अप्लाई करें, क्या सावधानियाँ बरतें और किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो बस मैं आज आपको वही करके दिखाने वाली हूँ। तो इसका रिव्यू मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में करके दिखाया था कि मैंने फ्लिपकार्ट से 3D वॉलपेपर रोल मंगाया है, तो बस मैं वही दिखा रही थी आपको। तो मैंने 3 मंगाए थे, अगर जो आपको चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं, मुझे कहाँ अप्लाई करना है सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये है मेरा बेडरूम और इसकी फ्रंट वाली जो है वॉल, मुझे इसको कवर करना है 3D वॉलपेपर से। तो देखिए, इस पर पुट्टी हो रखी है, बाकी इस पर पेंट नहीं हो रखा है, अभी पुट्टी कराई हुई है। तो पुट्टी पे आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, पुट्टी पे, पेंट पे, केवल बस ईंटों पे नहीं हो सकता है, प्लास्टर है, प्लास्टर पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको पुट्टी पे इसको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम जिस सरफेस पे हम इसको लगाना है इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। पुट्टी हो रखी है तो थोड़ा बहुत सफ़ेद वगैरह हो जाता है, वैसे नहीं था बिल्कुल भी, अच्छे से हो रखी है ये। फिर भी हमने एक बार सारी वॉल पे अच्छे से कपड़ा लगा लिया था ताकि ज़रा भी वाइटनेस ना रह जाए। तो देखिए, मैंने रोल खोल लिया था, इस तरीके का है कुछ ये रोल। देखिए इसका डायमीटर, कितने डायमीटर का मैंने आपको बताया था, ये 40x600 है। लेंथ इसकी काफ़ी है, चौड़ाई में थोड़ा सा कम है ये, इस वजह से हमें थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई थी लगाने में। तो देखिए, इस तरीके से इसका स्टिकर की तरह इसका दिया होता है, इस तरीके से हमें इसे निकालना पड़ता है। तो हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया था इसको लगाना, वॉल के एक तरफ से, एक कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी ऊंचा लेंटर है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमें आ रही थी। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करना, थोड़ा सा कॉर्नर से हटाते हुए, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए। कभी भी इस बात का ध्यान रखें, अगर जो आप कोई भी वॉलपेपर वॉल पे या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो एकदम से उसको पूरा पील ऑफ ना करें, उसको पूरा ना हटाएं, जो इसका कवर है हल्का हल्का हटाते जाएं और चिपकाते जाएं। तो इस तरीके से आप हमेशा वॉलपेपर लगाएं। तो देखिए, इस तरीके से हमने हल्का हल्का इसको हटाते रहे और इसको कपड़े से अच्छे से प्रेस कर दें ताकि इसमें कोई भी बबल्स या सलवटे ना रह जाएं। जितने अच्छे से आप इसको अप्लाई करेंगे उतने ही लंबे समय तक अच्छे से रहेगा। मैंने काफ़ी सारी जगह अप्लाई किया हुआ है वॉलपेपर, आजकल पेंट से भी ज़्यादा चलन में है वॉलपेपर और पेंट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखिए, उस तरफ से चिपक गया था, उस तरफ से मैंने पूरा कर दिया था। हमने सीढ़ी की हेल्प से इसे करा है क्योंकि लेंटर, हाँ, 12 फुट की ऊंचाई पे लेंटर है, नीचे होता तो मैं भी चिपका देती। हमेशा एक बात ध्यान रखें, दो बंदे हमेशा इसमें चाहिए ही चाहिए, एक बंदे से ये नहीं होता है, दूसरा बंदा हेल्प करने के लिए चाहिए चाहिए, नहीं तो ये बेकार हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको प्रेस करते जा रहे हैं हाथ से और इसका पीछे से स्टिकर हटाते जा रहे हैं और हल्का हल्का हाथों से प्रेस करते इस तरीके से हम इसको चिपका रहे हैं। तो इस तरीके से चिपकाने से ये होता है, इसमें बबल्स नहीं रहते, सलवटे नहीं आती है और इसमें इतना ज़्यादा चिपकने का होता है, अगर जो एक बार ये वॉल पे चिपक जाता है तो फिर इजीली हटता नहीं है। साथ के साथ अगर जो कहीं से बिगड़ गया है तो आप थोड़ा सा हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है ये। फिर देखिए, अब इसके साथ पहले मैंने मंगाया था तो इसके साथ ये कटर आया था, लेकिन इस बार कटर नहीं आया है, तो ये मेरे पास पहले ही रखा हुआ था, इस वजह से मैंने संभाल के रख लिया था इसको। तो देखिए, हमने इसको यहाँ तक स्टार्टर तक लगा दिया है और कट करके इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से कॉर्नर तक इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि कहीं से भी हटा ना रहे। जितना अच्छे से हम इसको प्रेस करेंगे कॉर्नर तक, उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक टिका रहेगा। और मेरा तो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वॉलपेपर के साथ। मैंने काफ़ी जगह चिपकाए हुए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। देखिए, इस तरफ भी पूरा मैंने चिपका दिया है, मतलब हमने चिपका दिया है। मैं हस्बैंड की हेल्प कर रही थी अपने, क्योंकि अकेले से मैं जैसे कि बोल रही हूँ, अकेले से नहीं हो पाता है ये काम और ऊंचाई की जगह है ना, तो इस वजह से नहीं हो पाता। देखिए, इसी के साथ ही दूसरा चौड़ाई में हल्का सा कम है, इसलिए इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए, कॉर्नर से स्टार्ट करते हो हल्का हल्का, इसी तरीके से आपको भी चिपकाना है इसका और फाइनल लुक आप देखते ही रह जाओगे। इतना अच्छा लुक आ रहा था इसका फाइनल जब हो गया था, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। मैंने 3 वॉलपेपर मंगाए थे, तो देखिए कहाँ तक चिपकते हैं।
ये वॉलपेपर्स देखिए इसके साथ बिल्कुल लगाते हुए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ऊपर एक चढ़ा रखा है या अलग से चिपका रखा है। हमें इस तरीके का इसको लुक देना है। ये पूरी वॉल एक ही है और बिल्कुल एक सा ही स्ट्रक्चर इसका दिखना चाहिए। जो ये पत्थर है, 3D वॉलपेपर है, तो पत्थर बिल्कुल इस तरीके से लग रहे हैं। इसमें ग्रास भी है कि बिल्कुल जैसे यहाँ पे पत्थर ही हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये वॉलपेपर और मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने मंगाया था। और जब मैंने मंगाया था 80% ऑफ था, तो मुझे बहुत ही सस्ता मिला था। देखिए इस तरीके से इसी के बिल्कुल बराबर बराबर करते करते हमने चिपका दिया है सेकंड इसका पार्ट भी। तो नीचे तक इसको अप्लाई करेंगे हम। इसको चिपकाने में समय काफ़ी जाता है, इसलिए हमेशा इसको पेशेंस के साथ ही चिपकाएं। ज़रा भी जल्दबाजी करेंगे तो ये वॉलपेपर ख़राब हो सकता है, मैं आपको यही राय दूंगी, क्योंकि जल्दबाजी में ये काम नहीं है, फ्री टाइम के ही काम है। अच्छे से जब आपके पास टाइम हो, आपको अगर जो कहीं भी अप्लाई करना हो तो तभी करें, नहीं तो जल्दबाजी में इसका ख़राब ही होने वाला है ये। तो देखिए अब हमने इसका थर्ड पार्ट भी, इसका मतलब सीधे सीधे हमने लिया है, जितना भी वॉलपेपर था हमने सारा मतलब खोल के सबसे पहले सीधे सीधे इसके पार्ट ले लिए। हम चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे पहले, लेकिन हम इसी तरीके से इसको चिपका के देख रहे थे। पहले हमने इसका नापा था कि किस तरीके से सही बैठेगा, किस तरीके से सही नहीं बैठेगा। तो हमने सीधी सीधी एक पट्टी सबसे पहले उस वाले कॉर्नर पर चिपका ली थी और दो पट्टी हमने इस वाले कॉर्नर पर चिपका दी है। तो देखिए इसी तरीके से आपको कोई कपड़े की हेल्प से ही इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, क्योंकि हाथ से इतने अच्छे से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं से उखड़ा हुआ रह जाता है। तो देखिए थोड़ी सी ऊपर पट्टी आ गई थी, तो यहीं से कट कर रहे थे हम इसको। कटर बहुत तेज़ होता है, तो आप कहीं से भी इसको जहाँ से एक्स्ट्रा हो कटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सीधा उतरेगा ये, देखिए उतर गया है। इस तरीके से ही आपको भी इसको अप्लाई करना है। तो इतनी इतनी जो एक्स्ट्रा है तो कटिंग कर देंगे, बिल्कुल फिनिशिंग आ गई थी। कोई कह नहीं सकता ये वॉलपेपर है या पेंटिंग है या क्या है, इसको देख के मतलब पूरा अप्लाई करने के बाद कोई भी इसको देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकता ये क्या है। तो देखिए नीचे तक हमने 3 पट्टी लगा दी है, एक पट्टी इधर की साइड सबसे पहले हमने लगाई थी। तो अब हम देख रहे थे 2 पट्टी लगाएंगे तो बीच में बहुत ही बारीक सी जगह रह जाएगी, और इस तरीके से हम पट्टी लगाएंगे तो फिर बहुत गंदी लगेगी बीच में। तो हमने सोचा क्यों ना अब इसको इस तरीके से चिपकाया जाए, क्योंकि 3D है, हम इसको कहीं भी किसी तरीके से चिपका सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। मैं लास्ट में आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किस तरीके से हमने इसको चिपकाया है, किस तरीके से कहाँ की पट्टी कहाँ पे काट के लगाई है। तो अब हम दोनों ने यही डिसाइड किया था, हम दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से इसको चिपकाया जाए। तो फिर फाइनल हो गया था कि हम इसको अब इसी तरीके से चिपकाएंगे। वॉलपेपर हमारे पास काफ़ी कम था, बस इसकी 2 और पड़ी हुई हैं, मतलब 2 कटिंग हमने साथ के साथ ही काट ली थी, इसकी 3 कटिंग हुई हैं ऐसे ऐसे, बाकी बच गया था। तो देखिए मैं उतार के दे रही थी क्योंकि वो सीढ़ी पे खड़े थे और ऊंचाई में दिक्कत हो जाती है, नीचे तो बहुत ही इजीली लग जाता है। बेड के सिराने पे मैंने बेडशीट डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत झड़ जाता है और फिर गंदा हो जाता है, इस वजह से मैंने पहले ही बेडशीट डाल दी थी। हम सोच रहे थे कि चलो बेड के पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि बेड के सिराने के पीछे तो दिखता नहीं है। तो देखिए इस तरीके से हमने अब इसको अप्लाई किया है। तो देखिए एक पार्ट इसका अप्लाई हो गया है, मैंने कटिंग कर ली थी, 3 पार्ट ही हुए थे। तो इसी तरीके से हम इसको चिपका देंगे। आपको वैसे रूम मतलब वैसे वॉल बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आ रही होगी, नहीं तो वैसे काफ़ी बड़ी वॉल है, 12 फुट तो इसकी ऊंचाई है और 14 फुट इसकी चौड़ाई है वॉल की, तो काफ़ी लंबी चौड़ी वॉल है और ऊंचाई काफ़ी है, तो बहुत दिक्कत आ रही थी हमें करने में। और कोई भी काम हो सफाई के साथ करें तो अच्छा लगता है, अच्छे से अप्लाई करेंगे तो अच्छा लुक देगा, और ऐसे चिपका देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो हमेशा इसके साथ सावधानी बरतनी पड़ती है, ये आपस में चिपक जाता है तो फिर बिल्कुल छूटता नहीं है, क्योंकि चिपकाने वाला इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ही बोलूँगी मैं, एक बार चिपक जाता है तो फिर दीवार को लेकर ही जाता है, इसके ये ही साइड इफ़ेक्ट है और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सभी अच्छा ही है। इसका लगने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है, देखिए लुक आना शुरू हो गया है, अच्छा लग रहा है कितना। तो इस साइड से इसका अब ये निकाल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से भी लगाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ऊंचाई काफ़ी थी। अभी यहाँ पे सीढ़ी भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेड था, बेड नहीं हटा पा रहे थे। तो देखिए इस तरीके से इसको अब हम चिपका देंगे। तो देखिए ये वाला भी चिपका दिया है, इसका सेकेंड वाला भी हमने चिपका दिया था।
तो मैं आपको पास से दिखा रही थी कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए किस तरीके से इसको चिपकाना है। इस तरीके से थोड़ी बहुत सलवटें आ जाएं तो हम इसको हटा सकते हैं, और लेकिन पूरा हम इसको हटाना चाहेंगे तो फिर ये वॉलपेपर ही है जो वही ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से आप बहुत ही सावधानी के साथ इसको अप्लाई करें। तो देखिए, हाथ से भी इसको अच्छे से हल्के फुल्के बबल्स हैं या जहाँ से नहीं चिपका है। इस तरीके से हमेशा पूरा वॉलपेपर लगाने के बाद एक बार आप इसको कपड़े से अच्छे से ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, अब वो वाला पार्ट लग गया था, उसके नीचे अब हम दूसरा पार्ट लगा रहे थे। किनारी से किनारी मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये बिल्कुल बेकार ना लगे और ऐसा ही लगे बिल्कुल एक सा है। ये बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो हम यही देख रहे थे कि बिल्कुल किनारी से किनारी इसकी मिल जाए। देखिए किस तरीके से, देखिए हमने मिलाई है, देखिए आधा आधा पत्थर मिलके एक हो गया। आप देख पा रहे होंगे, आपको लग रहा है कि अलग अलग पत्थर है या एक ही है। तो इसी तरीके से आपको भी सावधानी बरतनी है। देखिए इतना लग गया और हमारा वॉलपेपर हो गया ख़त्म। तो उसके बाद 2 दिन बाद मैंने दूसरा मंगाया था, ऑर्डर कर दिया था उसी दिन, लेकिन 2 दिन लग गए थे उसको आने में। इस वजह से मेरी वीडियो पेंडिंग ही पड़ी थी क्योंकि मुझे पूरा एक साथ ही शूट करना था। तब उसके बाद मैं तीसरे दिन बना रही हूँ। मैंने 2 रोल्स और मंगाए थे इसके, क्योंकि 3 रोल्स नहीं पड़े थे। तो अब मैं आपको बता सकती हूँ, अगर जो आपकी 14x12 की वॉल है तो उस पर कम से कम आपको 5 रोल्स लगेंगे ही लगेंगे। वैसे तो इसमें काफ़ी सारा है, लेकिन फिर भी दीवार बड़ी है तो इस वजह से इतने तो लग जाएंगे। तो देखिए हमने लगा दिया है, एक इसके नीचे और लगाएंगे। बेड के पीछे का हिस्सा हम छोड़ देंगे क्योंकि बेड की हमारी फिक्स जगह यही है, बेड की जगह हम इधर से इधर नहीं हिलाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक और लगाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखा रही थी। लग के हमारा हो गया है फाइनल। ये है मेरी वॉल का, बेडरूम वॉल का फाइनल लुक। तो आप प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा ये ब्लॉग और कैसा लगा मेरे बेडरूम की वॉल का फाइनल लुक। तो आपको ज़रा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ करना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।